आई होप अभी तक जब हमने जितने चैप्टर किए हैं आपने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए हैं, और अगर नहीं भी लगाएं तो कोशिश करो कि साथ साथ क्वेश्चंस कवर करे जाए, क्योंकि साथ साथ कवर होंगे तो डेफिनेटली आगे के लेसन जो भी हैं आपको समझ आएंगे और आप इजीली फिर पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप डाउट साथ साथ रख के चलेंगे और फिर फाइनली जब आपका पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो एकदम से प्रेशर आ जाएगा पूरा सब्जेक्ट कम्प्लीट करने का, तो साथ साथ जो चैप्टर कवर हो रहे हैं उनको साथ साथ निपटाइए और फिर अगले लेसन पे चलिए। अभी तक हमने एंट्रोपी का बेसिक्स थोड़ा सा देख लिया, अब एंट्रोपी कैलकुलेशन का पार्ट देखते हैं, एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम बस ये देखते हैं एंट्रोपी होता क्या है, एक थोड़ा सा हमने फील किया एंट्रोपी के बारे में, अब कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंट्रोपी कैलकुलेशन आपका गेट में भर भर के आता है और ESC में भी थोड़ा थोड़ा सा पूछ लिया जाता है एंट्रोपी कैलकुलेशन से रिलेटेड। 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे के 3-4 लेक्चर में और पूरा एंट्रोपी हम कवर करेंगे, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस पॉइंट यही है कि आप ध्यान से सुनेंगे और बेस समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है। मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए एंट्रोपी के बेसिक 3 अपने को पैरामीटर्स मिलेंगे, मतलब 3 सिचुएशंस मिलेंगी 3 टाइप की जब एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहली है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर और फेज चेंज। सिंपली कोई एक आपको दिया जाएगा कि 100 थर्मल रिजर्वायर है। थर्मल रिजर्वायर कैसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई लेक का एग्जांपल दे दिया, बहुत बड़ा समंदर टाइप्स कुछ है, तो डेफिनेटली उसमें कितनी भी हीट ऐड करो, कितनी भी उससे हीट एक्सट्रैक्ट करो, उसका टेम्परेचर वहीं उतना ही रहेगा। मतलब कि जो आपका सोर्स है या सिंक है उसका टेम्परेचर वही रह रहा है और उसी की एंट्रोपी आपसे निकलवाई जा रही है, उसी का एंट्रोपी चेंज निकलवाया जा रहा है, तो आपका सिंपल कैलकुलेशन होगा, चेंज इन एंट्रोपी विल बी हीट इंट्रैक्शन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा। अब देखिए हीट अगर किसी बॉडी से जा रही है तो उसको नेगेटिव लेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगा, और हीट किसी बॉडी में ऐड की जा रही है तो फिर उसका चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, और थर्मल एनर्जी रिजर्वायर टाइप की जो भी चीज़ें होंगी। सेकेंड केस आपका हो सकता है सॉलिड और लिक्विड फाइनाइट मास, मतलब कि फाइनाइट मास है। फाइनाइट मास कहने का मतलब ये है कि उसमें से जब हीट आएगी या फिर उसमें हीट जाएगी तो उसका टेम्परेचर चेंज करेगा। मतलब जो हमने केस ए में जो हमने फॉर्मूला देखा वो वैलिड नहीं होगा फिर। हाँ हम यूज़ करेंगे DS इज इक्वल टू DQ/DT, DS इज इक्वल टू DQ/T, QMCDT लेंगे, हीट ट्रांसफ़र जो है MCDT, एंड नीचे T आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आ जाता है MCLN T2/T1 जो चेंज इन एंट्रोपी है। हाँ ध्यान रखेंगे S2-S1 है, T2/T1 है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें साइन का सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा अगर पॉजिटिव का नेगेटिव आपने लिख दिया था। नेक्स्ट केस देखते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ गैस, ये थर्ड केस है। या तो आपकी गैस रियल गैस होगी जो कि हम थर्मोडाइनमिक्स रिलेशंस में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा कि उसका एंट्रोपी चेंज क्या आता है, अभी फ़िलहाल हम आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे जिसमें PV=mRT होता है। अगर यूनिट मास है स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, PV=rT हो जाएगा। अब देखिए जो फॉर्मूलाज हैं वो ये हैं दोनों, एंट्रोपी आइडियल गैस की एंट्रोपी निकालने के लिए जो आता है, आए कैसे हैं वो देख लेते हैं। TDS इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, TDS=DU+PdV, DU को CV/DT लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे पूरी इक्वेशन। अब जो हाईलाइटेड इक्वेशन है इसको T से डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, P/T की वैल्यू
इस इक्वेशन से लिखेंगे पी बाई टी हो जाएगा आर बाई वी, मतलब आर डी वी बाई वी हो जाएगा ये इक्वेशन। तो सॉल्व करके आएगा एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। सिमिलरली जब हम सेकेंड टी डी एस इक्वेशन यूज़ करेंगे टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, डी एच को सी पी डी टी लिखेंगे, देन इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो वी बाई टी इस इक्वेशन से V by T की वैल्यू R by P आएगा, तो मतलब ये इक्वेशन R dP by P हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो S2 minus S1 will be equal to CP ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1। ये दो इक्वेशंस हैं जो कि गैस की एंट्रोपी चेंज निकालने के काम आएगा फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू, स्टेट वन से टू के बीच में एंट्रोपी निकालने का काम आएगा। Do not forget to multiply by mass in above expressions. These equations are per unit mass. ये जो equations है per unit mass, अगर आपसे entropy change पूछता है तो आप पूरे mass से भी multiply उसको करेंगे। अब देखिए एक simple सा question उठा दें, चार चीज़ निकलवाएंगे इसमें, आपके concept clear हो जाएंगे। जो अभी हमने तीन case पढ़े हैं इनसे related आपको कोई doubt नहीं रहेगा फिर कौन सी सिचुएशंस कहाँ यूज़ होती है। पहले देखते हैं क्वेश्चन, अ मेटल ब्लॉक इज ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब मास इनटू सी जो उसका खाली, अगर सी है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हीट कैपेसिटी, आप यूनिट से पहचान सकते हैं। इज ड्रॉप्ड इन अ लेक, फाइंड द एंट्रोपी जनरेशन इन द प्रोसेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, द टेम्परेचर ऑफ लेक इज 8 डिग्री सेल्सियस एंड द ब्लॉक मास इज 1 केजी। ब्लॉक की हीट कैपेसिटी 150 जूल पर केल्विन है एंड लेक में डाला गया उसको, लेक का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, ब्लॉक का मास 1 केजी है। अब वो चार सिचुएशन देता है, उनमें अलग अलग से एंट्रोपी चेंज निकालना है पूरे यूनिवर्स का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। पहला केस वो बोलता है टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज 100 डिग्री सेल्सियस, देखते हैं अगर टेम्परेचर ब्लॉक का 100 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा एस जो अपना है ब्लॉक के लिए, जो हमने केस टू पढ़ा था फिक्स्ड मास सॉलिड और लिक्विड उसके लिए हमने पढ़ा था एम सी एल एन टी टू बाई टी वन, तो ब्लॉक के लिए ये हो जाएगा, प्लस लेक के लिए जो हमने पहला केस पढ़ा था जिसमें डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी था जो एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए यूज़ किया गया था, तो एम सी की वैल्यू 150 है एंड टी टू डेफिनेटली ब्लॉक लेक में जाने के बाद लेक का टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब उसको टेम्परेचर जितने भी इन इक्वेशंस में हैं सब केल्विन में लेने हैं, टी टू ये है फाइनल टेम्परेचर, टी वन जो ब्लॉक का इनिशियल 100 डिग्री सेल्सियस जो उसने बोला है, प्लस क्यू जो हीट जो जाएगी लेक में वो मास ऑफ ब्लॉक इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू टेम्परेचर चेंज इन ब्लॉक, तो उसका एम सी डी टी लेंगे डिवाइडेड बाय टी नॉट, टी नॉट जो लेक का टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो हीट ऐड हुई है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 6.626 जूल पर केल्विन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस वो बोलता है द ब्लॉक इज इनिशियली एट 8 डिग्री सेल्सियस बट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। अब ब्लॉक का टेम्परेचर सेम है जितना लेक का था, बस उसको 100 मीटर हाइट से गिराया गया है। अब देखिए सिंपल है, जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जो ब्लॉक का टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा क्योंकि ब्लॉक की अगर एंट्रोपी निकालेंगे तो ये केस बनता है फिक्स मास वाला, टी टू और टी वन दोनों सेम है तो इसकी ब्लॉक की कोई एंट्रोपी में चेंज आएगा नहीं। लेक में जो हीट ऐड हुई है पहले ब्लॉक के टेम्परेचर चेंज की वजह से आई थी, ब्लॉक में कुछ टेम्परेचर चेंज आया जिसकी वजह से हीट ब्लॉक ने लेक में दी, अब वो किसी हाइट से आ रहा, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एज अ हीट एनर्जी लेक में जाएगा डिवाइडेड बाई लेक का टेम्परेचर, आपका एंट्रोपी चेंज आ जाएगा 3.49 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ब्लॉक इज इनिशियली एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर। अब दोनों केस इन्होंने कंबाइन कर दिए, अब देखते हैं पहले तो ब्लॉक का जो
एंट्रोपी चेंज होगा वो, क्योंकि फिक्स मास है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो MC 105 की जगह 150 कर लीजिए, क्योंकि ये मिस्टेक से मिस प्रिंट यहाँ हो गया थोड़ा सा, इस पैरामीटर को 150 कर लीजिए, क्योंकि MC की वैल्यू क्वेश्चन में 150 दी हुई है। हाँ, आंसर फाइनली ठीक लिखा हुआ है, आप एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ 150 करके यही आंसर आ रहा है। प्रोसीजर देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCLN T2/T1 ब्लॉक का जो एंट्रोपी चेंज है प्लस ब्लॉक ने जो एनर्जी लेक में दी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसने दी है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच दिस एनर्जी इज गिवन टू लेक, प्लस जो टेम्परेचर जो ब्लॉक का चेंज होगा, इस बार जो चेंज है वो 200 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री पे आएगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये वही फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था, DS इज इक्वल टू Q/T0। तीनों वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 27.87 जूल पर केल्विन आ जाएगा। फोर्थ केस देखते हैं क्या था। टू सच ब्लॉक्स एज डिस्कस इन अबव इनिशियली एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू ऑब्टेंड फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मतलब दो ब्लॉक हैं, एक 100 डिग्री पे है, एक 0 डिग्री पे है, मास दोनों का सेम है, MC दोनों का सेम है। अब वो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आने के बाद क्या एंट्रोपी चेंज आएगा। देखते हैं एंट्रोपी चेंज, देखो एक ब्लॉक का निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे, दोनों ऐड कर देंगे। एक का चेंज निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, दोनों ऐड कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका होता है एंट्रोपी चेंज का, 2 MCLN T final by √T1 T2। T1 T2 जो इनिशियली ब्लॉक के टेम्परेचर्स थे, टी फाइनल उनका एवरेज टेम्परेचर आएगा। सॉल्व करके आपका आंसर ये आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया है, हम अगले लेसन में देखेंगे इसका डेरिवेशन। आई होप आपको ये तीन केस समझ आए हैं। तीन केस जो हमने स्टार्टिंग में ABC पढ़े थे, पहला जो एक फिक्स सोर्स या सिंक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट एक्सचेंज हो रही है तो एंट्रोपी चेंज क्या आता है। फिर हमने देखा कि फिक्स मास है, अगर चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है, उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। फिर हमने गैस का देखा, आइडियल गैस का, उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे देखेंगे। इन तीनों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाइए, कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। स्टे फोकस।